एक समय की बात है, जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी बहुत ही चालाक और शातिर थी। वह अपना शिकार करने के लिए पहले जानवरों से दोस्ती किया करती, उसके बाद उन्हें मारकर खा जाया करती थी। एक दिन उसने जाते जाते देखा कि एक मुर्गा पेड़ की डाल पर बैठा है और वो बोली, वाह कितना बड़ा मुर्गा है, अगर ये मुझे मिल जाता तो मैं इसे खाकर अपना पेट भर लेती। लेकिन मैं इसे खाऊंगी कैसे, ये तो पेड़ की डाल पर बैठा है। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और आते जाते हमेशा उस पर नजर रखती है, लेकिन मुर्गा हमेशा पेड़ की डाल पर ही बैठा मिलता। एक दिन लोमड़ी मुर्गे से बोली, अरे मुर्गा भाई, तुम नहीं जानते क्या, जंगल के राजा ने आदेश दिया है कि अब कोई भी जानवर किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। कितनी खुशी की बात है, आओ नीचे आओ, हम सब गले मिलते हैं। हाँ लोमड़ी जी, शायद तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि उधर से बहुत सारे जंगली कुत्ते भी दौड़े चले आ रहे हैं। शायद वो तुम्हें गले लगाने के लिए आ रहे हैं। पहले उनसे तो गले मिल लो, बाद में मुझे गले लगाना। मुर्गे की ये बात सुनकर लोमड़ी डर जाती है और जंगली कुत्तों को आता देख वो सोचने लगती है कि आज मैं मुर्गे का शिकार करूं या ना करूं, मेरा शिकार जरूर जंगली कुत्ते कर डालेंगे। ये सब सोचकर वो वहां से भाग जाती है। शिक्षा, हमेशा धूर्त लोगों से दूर रहना चाहिए और अपनी चतुराई से काम लेना चाहिए।